हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने से पहले जान लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं? वेरिएबल्स, नंबर्स एंड वेरिएबल नंबर्स एंड ऑपरेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सबको लेके कैसे बनते हैं। ठीक है, 2x + 3y करेक्ट, 6a - 3b, 2x - 3y + 4z। ठीक है, 1 example 2 example 3। ओके, तो ये सभी में ये कांस्टेंट है, मतलब नंबर्स हैं और ये वेरिएबल है। एक्स एंड वाई, फर्स्ट एग्जांपल में एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, 2 and 3 आर नंबर्स एंड एडिशन ये हो गया हमारा ऑपरेशन। तो ये तीनों को मिला के हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, करेक्ट। तो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में ए बी, सेम वेरिएबल है, 6 3 नंबर्स है और माइनस हमारा ऑपरेशन है, मतलब सब्ट्रैक्शन साइन है, करेक्ट। और थर्ड एग्जांपल में 2 3 4 आर नंबर्स, एक्स वाई जेड आर वेरिएबल्स, माइनस एंड प्लस, करेक्ट। तो ये दोनों हमारा ऑपरेशन है, तो ये सबको मिला के हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, करेक्ट। नेक्स्ट कम टू एडिशन, नेक्स्ट हम एडिशन पर आते हैं। जब हम ऐड करेंगे, लाइक टर्म को ऐड करेंगे, ये एडिशन का प्रिंसिपल है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकते। तो अभी आप पूछोगे लाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो लाइक टर्म्स हैव सेम वेरिएबल्स विथ raised to the same power। मतलब जो वेरिएबल रहेगा वो सेम रहेगा और उसका पावर भी सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 3x 2x 5x 9x आर लाइक टर्म्स, इसमें सभी में पावर सेम है और वेरिएबल x x x, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x - 2y, इसमें x एंड y डिफरेंट है, करेक्ट। तो ये दोनों अनलाइक टर्म, क्योंकि x एंड y सेम वेरिएबल नहीं है, ओके। और उनका पावर सेम हो सकता है पर वेरिएबल सेम नहीं है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x² 5x² 9x² करेक्ट, 8x² सभी में पावर सेम है, वेरिएबल भी सेम है, करेक्ट। पर अगर हम और एक एग्जाम्पल लेंगे अनलाइक टर्म का, 3x²
4y² 9z² तो सभी में अलग अलग है कि नहीं, वेरिएबल्स डिफरेंट है, तो ये ऑनलाइन टर्म्स हो गया। तो ये सब अगर एडिशन हम करेंगे तो प्लस साइन रहेगा, करेक्ट। इनके साथ 3x² प्लस 4y² प्लस 9z² हो सकता है, पर ये दोनों, ये तीनों का आंसर आपको नहीं मिल सकता, करेक्ट। पर लाइक टर्म्स में आंसर आपको डायरेक्टली कोफिशियंट को ऐड करके आपको आंसर आ सकता है, वो हम एग्जांपल लेके समझेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट 5x प्लस 2y प्लस 3x माइनस y, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशंस, करेक्ट। इसी टाइप का आपको दे रहेंगे क्वेश्चन, तो आपको आंसर क्या करना है, हमारा रूल है हम लाइक टर्म को एक साथ ले आएंगे, मतलब 5x प्लस 3x है कि नहीं, प्लस 2y माइनस y, इसको अलग कर देंगे, मतलब जितने भी लाइक टर्म रहेंगे आप एक साथ ले आओगे, और अगर लाइक टर्म और रहेंगे मतलब x वेरिएबल के साथ रहेगा तो x पार्ट अलग कर देना, y पार्ट को अलग कर देना, z पार्ट को अलग कर देना, जितने भी वेरिएबल रहेंगे उस सब को अलग अलग कर देना, तो आपको इजी हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, ये हमको क्या करना होगा, 5 प्लस 3, मतलब ये सारे न्यूमेरिकल कोफिशियंट को आपको अलग कर देना है, x को कॉमन ले आना है, 2 माइनस 1 और y भी कॉमन आ जाएगा, तो 8x प्लस y है कि नहीं, ये हो गया हमारा आंसर, करेक्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, 2x² माइनस 3y² प्लस 5x² प्लस 6y² प्लस माइनस 3x² माइनस 4y², ये हमको एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसका सॉल्यूशन, हमारा मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है तो कहता है कि आपको लाइक टर्म को एक साथ ले आना है, तो लाइक टर्म कौन सा है, 2x² आपको वेरिएबल सेम और टू द पावर आल्सो सेम रहेगा, उसी को अलग करना है, 2x² प्लस 5x² माइनस 3x², इसको अलग कर देना है। नेक्स्ट, माइनस 3y² 6 प्लस 6y² माइनस 4y², इसी को अलग कर देना है, और ये एडिशन का साइन। नेक्स्ट, तो ये टोटल 2 प्लस 5 माइनस 3, मतलब उसको न्यूमेरिकल कोफिशियंट को अलग कर लेंगे और वेरिएबल कोफिशियंट को कॉमन ले आएंगे, प्लस इसको क्या करेंगे, माइनस 3 प्लस 6 माइनस 4 और ये y², तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना 4x² और ये प्लस माइनस 7 प्लस 6 माइनस y², करेक्ट। तो फाइनली 4x² माइनस y², ये प्लस साइन अगर रहेगा तो माइनस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सेम सब्ट्रैक्शन का मेथड भी सेम है, लाइक टर्म का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो लाइक टर्म को हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे और उसी को कोफिशियंट को भी अलग करके जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, करेक्ट, 5x फ्रॉम 2x लिखेंगे कैसे, देखो 2x और 5x मतलब दोनों को
दोनों का वेरिएबल सेम है, ये लाइक टर्म है इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर फ्रॉम 2x मतलब 2x माइनस 5x, 2x माइनस 5x, तो 5 हमारा बड़ा है तो 5 से जाएगा 2 माइनस 3x आंसर आ जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो सिंगल टर्म्स था इसीलिए आप डायरेक्टली उसको माइनस साइन देके कर लिए। अगर आपको गिवन रहेगा 5a प्लस 7b माइनस 2c फ्रॉम 3a माइनस 7b प्लस 4c, करेक्ट, तो फ्रॉम सेकेंड पार्ट तो इसको पहले लिख देंगे 3a माइनस 7b प्लस 4c, 3a माइनस 7b प्लस 4c माइनस माइनस 5a, इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे मतलब अलग कर लेंगे, और 5a प्लस 7b माइनस 2c, जैसे हमको गिवन रहेगा उसी को फर्स्ट हमको लिखना है, उसके बाद क्या करना है 3a 7b प्लस 4c वो रहेगा, और जो हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट है मतलब ये नंबर से वो सेकेंड नंबर जो सब्ट्रैक्ट होगा उसी का साइन सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन आ गया। अगर ये प्लस साइन होता तो ब्रैकेट के अंदर का साइन कुछ भी चेंज नहीं होता, पर सब्ट्रैक्शन के लिए सारा का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। देखो माइनस प्लस साइन था 5 का तो ये माइनस साइन आ गया, और ये माइनस प्लस 7b था माइनस 7b हो गया, और ये माइनस था माइनस माइनस प्लस 2c, करेक्ट। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ लाना है, लाइक टर्म 3a माइनस 5a नेक्स्ट माइनस 7b माइनस 7b, ये सबको हम अलग अलग कर लेते हैं, और प्लस साइन देंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्लस 4c प्लस 2c, ओके। तो नेक्स्ट 3a माइनस 5a माइनस 2a, क्योंकि 5 से 3 कट होगा तो माइनस 5 से 3 जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस जो बिगर नंबर रहेगा उसी का साइन रहेगा इसलिए माइनस 2a। नेक्स्ट प्लस 7 प्लस 7 माइनस 14b, करेक्ट, क्योंकि दोनों में माइनस साइन है। नेक्स्ट 4c 2c 6c, तो ये प्लस साइन और माइनस साइन में क्या चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो प्लस साइन हट जाएगा, माइनस 2a माइनस 14b प्लस 6c हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, करेक्ट। सब्ट्रैक्शन में आपको ऐसे ही करना है, मतलब जो सब्ट्रैक्ट होगा उसी नंबर का साइन सारे के चेंज हो जाएंगे, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।